गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, अब हम करने जा रहे हैं कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर। तो कहता है हमारे पास 3 मेन कंपोनेंट्स है हमारे जो कंप्यूटर सिस्टम है उसके हार्डवेयर के। फर्स्ट है इनपुट आउटपुट यूनिट, फिर अब हमारे पास आते हैं सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मेमोरी यूनिट, और लास्ट पे हमारे पास क्या आता है, आउटपुट यूनिट। ठीक है, तो कहता है इनपुट यूनिट क्या है, कहता है इनपुट डिवाइसेस होंगी आउटपुट यूनिट में, कहता आउटपुट डिवाइसेस होती है। इनपुट आउटपुट यूनिट हमने एक साथ लिखा है, तो कहता है इसका मतलब क्या है, इनपुट यूनिट है आउटपुट यूनिट है। ठीक है, सीपीयू परफॉर्म क्या करता है, कैलकुलेशन करता है, उसको प्रोसेस करता है जो हम क्या है डाटा इनपुट करेंगे, तो उससे क्या आएगी, हमारी आउटपुट आएगी। मेमोरी यूनिट क्या होता है, जहाँ पर हमारा डाटा स्टोर होना है, इंस्ट्रक्शन स्टोर होनी है, हमारी आउटपुट की इंफॉर्मेशन स्टोर होनी है। ये हमारे पास क्या है, एक चार्ट दिया गया है। ठीक है, ये देखो फर्स्टली हम क्या है, ये हमारा सीपीयू है सेंटर में, यहाँ पे हम क्या देते हैं, अपनी इनपुट देते हैं, सीपीयू है, सीपीयू में रजिस्टर्स होते हैं, यहाँ पे हमारे क्या है डाटा स्टोर होता है। ठीक है, उसके बाद सीयू एंड एएलयू है, कंट्रोल यूनिट एंड अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट। ठीक है, तो ये हमारे सीपीयू के पार्ट है। एक मेमोरी है, जहाँ से कहता है सीपीयू कहता है डाटा असेस करता है, रजिस्टर में रखता है, देन रजिस्टर में जो डाटा अवेलेबल होता है उसको प्रोसेस करता है। ठीक है, तो प्रोसेसिंग होने के बाद जब आउटपुट आती है तो वह कहाँ पे जाएगी, जो रिज़ल्ट आएगा आउटपुट यूनिट पे जाता है। सो हम स्टार्ट करते हैं। इनपुट आउटपुट यूनिट, तो कहते हैं यूज़र क्या है, इंटरेक्ट करते हैं कंप्यूटर के साथ, कहता है विद इनपुट एंड आउटपुट यूनिट। तो इनपुट यूनिट से कहता है डाटा हम क्या है कंप्यूटर एक्सेप्ट करता है, आउटपुट यूनिट के साथ कहता प्रोसेस डाटा को यूज़र तक प्रोवाइड करता है। तो कहता है वो इन्फॉर्मेशन यूज़र क्या है, यूज़र करता है। तो कहता है इनपुट जो यूनिट है वो कन्वर्ट करता है, कहता है जो डाटा हमने क्या है इनपुट किया उसको कहता है कंप्यूटर की अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में कन्वर्ट करके कंप्यूटर को देगा। और सिमिलरली आउटपुट जो यूनिट है वो हमें क्या है कंप्यूटर को ने जो भी इंफॉर्मेशन प्रोसेस किया अपनी लैंग्वेज में किया है, तो आउटपुट यूनिट क्या है उन्हें ह्यूमन की अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में कन्वर्ट करके शो करेगा। तो कहता है इनपुट इज़ प्रोवाइडेड कंप्यूटर यूजिंग इनपुट डिवाइसेस, कहता है इनपुट यूनिट के किस कहता हम डिफरेंट इनपुट डिवाइसेस यूज़ करते हैं जिसके थ्रू क्या है हम डाटा देते हैं, कीबोर्ड है, ट्रैक बॉल है, माउस है, वैसे ही हमारे पास क्या आउटपुट डिवाइसेस है, मोनीटर है, प्रिंटर है। नेक्स्ट है हमारे पास सीपीयू, तो कहते हैं सीपीयू क्या है कंट्रोल करता है, कोऑर्डिनेट करता है, सुपरवाइज करता है ऑल दी कहता है ऑपरेशंस ऑफ कंप्यूटर। तो कहते हैं ये क्या है जो डाटा हम क्या है इनपुट करते हैं उसके ऊपर प्रोसेसिंग करता है। लाइक क्या है सीपीयू में कहते हैं दो पार्ट्स होते हैं, एएलयू एंड कंट्रोल यूनिट। एएलयू का मतलब है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, एएलयू कहता है अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। लाइक कहता है अर्थमेटिक में प्लस माइनस हमारे आ गए, ठीक है, डिवीज़न आ गया, मल्टीप्लिकेशन आ गया, लॉजिकल यूनिट में एंड और आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद कहता है जो सीयू है वो क्या है सारे ऑपरेशंस को कंट्रोल करता है, ओवरऑल चेक करता है कि जो इंस्ट्रक्शंस है वो क्या है सीक्वेंस में एग्जीक्यूट हो रही है, तो पूरी जो फंक्शनैलिटी है यूनिट की कंप्यूटर की उसको चेक करता है। तो कहते हैं सीपीयू में रजिस्टर भी होते हैं जो क्या है टेम्परेरी स्टोरेज करते हैं डाटा की, इंस्ट्रक्शन की एड्रेस उसमें होता है कि कहाँ से हमने डाटा लेना है। ठीक है, तो जो इंटरमीडिएट रिजल्ट आते हैं वो भी कहाँ पे स्टोर होते हैं, रजिस्टर्स में स्टोर होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास मेमोरी यूनिट, तो कहता है मेमोरी यूनिट क्या है हमारे पास, कहता जहाँ पे हमारा डाटा स्टोर होगा, इंस्ट्रक्शन, इंटरमीडिएट रिजल्ट है और आउटपुट है। ठीक है, कहता है टेम्परेरली कहता है ड्यूरिंग दी प्रोसेसिंग ऑफ डाटा, जब डाटा हमारा प्रोसेस हो रहा है तब कहता है टेम्परेरी बेसिस पे स्टोर होते हैं, इसको हम क्या कहते हैं मेन मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी ऑफ कंप्यूटर। तो इनपुट डाटा कहता है प्रोसेस होता है, ठीक है, मेन मेमोरी में। ठीक है, तो कहता है इंस्ट्रक्शन जो भी रिक्वायर्ड होती है प्रोसेसिंग के लिए वो क्या है हमें कहाँ से मिलती है, कहता है मेन मेमोरी में स्टोर होती है, इंटरमीडिएट रिजल्ट भी कहाँ पे स्टोर होते हैं मेन मेमोरी में। तो कहता है आउटपुट कहता है इज स्टोर्ड इन मेमोरी बिफोर कहता है ट्रांसफर दी आउटपुट डिवाइस, कहता है जब क्या है कहता है रिजल्ट आना है वो भी पहले कहाँ पे स्टोर होगा मेन मेमोरी में स्टोर होगा, देन कहता है वो आउटपुट डिवाइसेस पे जाता है। तो कहता है सीपीयू कहता है वर्क किसके साथ करता है, कहता है स्टोर करनी है इंफॉर्मेशन या लेनी है इंफॉर्मेशन वो कहाँ से लेता है मेन मेमोरी से लेता है।
तो कहते हैं अदर काइंड ऑफ स्टोरेज यूनिट कौन सी है, सेकेंडरी मेमोरी भी है हमारे पास, कहते हैं इसमें हमारे पास डाटा होते हैं, प्रोग्राम्स है, आउटपुट कहता स्टोर कर सकते हैं हम, कहता परमानेंटली, कहता लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए, कहता जब भी हम चाहें इनको असेस कर सकते हैं। तो कहते हैं इनकी लार्ज कैपेसिटी भी होती है जो हमारी क्या है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस है, लाइक मैग्नेटिक डिस्क है, ऑप्टिकल डिस्क है, मैग्नेटिक टैप्स है, ये हमारी क्या है सारी सेकेंडरी मेमोरीज हैं। थैंक यू।